YTBNs की हालचाल, वेलकम बैक टू द दोस्तों। YT भारत के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूं अगर आप लोग मई से लेकर के जुलाई मंथ के बीच में इंडिया के सबसे एडवेंचरस, थ्रिलिंग और प्रीमियम डेस्टिनेशन पर टूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। 11 नाइट 12 डेज के लिए लास्ट ईयर सेम इस टूर पैकेज को लेकर के मैं अपने वेरीफाइड ट्रेवल पार्टनर से गया था और यकीन मानिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसको देख करके मुझे मजा ही आ गया। और ये जो हमारी वेरीफाइड ट्रेवल कंपनी है, ये टूर पैकेज इतने ट्रस्ट के साथ प्रोवाइड करती है और इतनी ज़बरदस्त और अच्छी सर्विस के साथ प्रोवाइड करती है कि लास्ट ईयर जो हमारा रिस्पांस रहा उसको देखते हुए इस साल हमने इस टूर पैकेज को अर्लियर निकाल दिया है। लेकिन मैं आप लोग के लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। अगर YT भारत पर आप 3 साल पहले का कोई टूर पैकेज देख रहे हैं तो 100% उसकी कॉस्ट में बहुत चेंज आ चुका है, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से लेकर के आज के सालों में कॉस्ट के अंदर बहुत भारी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। और 3 साल पहले तो कोरोना काल आपका लग रहा था जिस टाइम पैकेज के रेट्स भी स्टेबल थे, अभी आपके टूर पैकेज के रेट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। इंडिया के किसी भी ट्रैवल कंपनी से छोटी से बड़ी आप अगर पता करेंगे तो आपको टूर पैकेज ज़्यादा ही मिलेगा। यहाँ पर हमारा वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर आपको सबसे चिपेस्ट दाम में, सबसे कम्पिटिटिव रेट्स के अंदर इंडिया के सबसे महंगी और प्रीमियम ट्रैवल कंपनी के टक्कर का सेम सर्विस के साथ टूर पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। 0% एक्सेलेशन लास्ट ईयर भी थी और 0% एस्केलेशन इस साल भी होने वाली है। अगर आप डायरेक्टली लेह लद्दाख, कश्मीर और कारगिल के होलसेलर टूर पैकेजेस प्रोवाइडर के साथ पैकेज बुक करना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जाइए कॉल करिए और इस पैकेज को बुक करा लीजिए। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए बढ़ते हैं, आपको इस टूर पैकेज की जानकारी देना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस टूर पैकेज के अंदर हम 11 नाइट 12 डेज के लिए चलेंगे। श्रीनगर जिसमें हम 3 नाइट्स रुकेंगे, कारगिल जिसमें 1 नाइट रुकेंगे, लेह के अंदर 2 नाइट, नूबरा के अंदर 2 नाइट, पेंगोंग के अंदर 1 नाइट, सारचू के अंदर 1 नाइट और मनाली के अंदर 1 नाइट। तो इस तरह से 11 नाइट 12 डेज के लिए हमारा ये टूर पैकेज होने वाला है जिसमें लेह लद्दाख, श्रीनगर और मनाली हम कवर करेंगे। आइए अब आप इसके टूर पैकेज की हाइलाइट्स जानना स्टार्ट करते हैं, आपको बताना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और कारगिल जाएंगे, जिसमें आप शांति सोमा, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, संगम पॉइंट और मैग्नेटिक हिल घूमेंगे, वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला पास आप जाएंगे, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक पेंगोंग लेक आप जाएंगे, कोल्ड डेजर्ट, नूबरा वैली, डिस्किट मोनेस्ट्री और रिवर शोक आप घूमेंगे। आइटनरी का ओवरव्यू आपको देते हैं। सबसे डे 1 पर आप एयरपोर्ट पर आपका पिकअप होगा, श्रीनगर लोकल साइट सींग आपको इस दिन करवाई जाएगी। डे 2 पर आप श्रीनगर से गुलमर्ग जाएंगे, वापस शाम को श्रीनगर आएंगे। डे 3 पर आप श्रीनगर से पहलगाम और वापस श्रीनगर आएंगे। डे 4 पर आप श्रीनगर से सोनमर्ग टू कारगिल जाएंगे। कारगिल से डे 5 पर आप ले जाएंगे और वहां पर आपका एक्लेमेटाइज होने का टाइम होगा और आप शाम को घूमेंगे शांति स्तूपा। डे 6 पर आप ले से नूबरा वाया खारदुंगला पास होते हुए जाएंगे। डे 7 पर आप जाएंगे 0 पॉइंट तुरतुक। डे 8 पर आप जाएंगे नूबरा टू पेंगोंग लेक वाया शेयोक होते हुए। डे 9 पर पेंगोंग से ले वाया चांगला पास। डे 10 पर ले टू सारचू जिप्सा होते हुए और डे 11 पर सारचू से जिप्सा टू मनाली और डे 12 पर आप आएंगे, डिपार्चर होगा आपका मनाली से वापस आपके डेस्टिनेशन के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको आइटनरी का ओवरव्यू दे दिया है। आइए अब आपको डिटेल में मैं आपको डेली वाइज आइटनरी बताना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, डे 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको फ्लाइट पकड़ करके या किसी भी माध्यम से श्रीनगर पहुंचना होगा, जहां से आपका ये 11 नाइट 12 डेज का टूर पैकेज स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले इस टूर का रिप्रेजेंटेटिव ड्राइवर आपको श्रीनगर एयरपोर्ट से पिकअप करेंगे, पिकअप करके ड्रॉप करेंगे आपको आपके होटल में जो श्रीनगर के अंदर होने वाला है। उसके बाद आप जाएंगे श्रीनगर की लोकल साइट सींग के लिए, जिसमें सबसे फेमस मुगल गार्डन का आप इस दिन विजिट करने वाले हैं, जिसमें आपको अलग अलग गार्डन के एरियाज में घूमने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप शाम को जब ये सब घूम फिर लेंगे तो ओवरनाइट डिनर करने के बाद आपका स्टे होने वाला है श्रीनगर के होटल में ही।
आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अब डे टू के बारे में। डे टू के लिए आप सुबह सुबह उठेंगे मॉर्निंग में और पहलगाम के लिए ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाएंगे, जिसे वैली ऑफ शेफर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग बात करें रास्ते की, तो रास्ते में आपको देखने को मिलेगा 1100 साल लगभग पुराना एक ऐसा मंदिर जो भगवान विष्णु पर डेडिकेटेड है और किंग अवंती रमन द्वारा यह बनाया गया था। पहलगाम पहुंचने के बाद आप एंजॉय करेंगे यहां की सराउंडिंग ब्यूटी को और वॉक करेंगे बैसरान वैली को जो 2 किलोमीटर है पहलगाम से। ये एक स्मॉल विलेज है जो पाइन के वृक्षों से घिरा हुआ है। इसके साथ रस्ते में आपको पिक्चर्स क्यू और एम्पल कैंपसाइट देखने को मिलेगी और ये सब घूमने के बाद शाम को आप पहुंचेंगे श्रीनगर के होटल में और आप आराम फरमाएंगे। अगर आप और डिटेल में इसकी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप ये इन्फॉर्मेशन का जरूर पढ़िए जो आगे और भी सेक्शंस में देखने को मिलेगी। डे 3 पर आप श्रीनगर से गुलमर्ग जाएंगे और शाम को लौटेंगे वापस श्रीनगर। मॉर्निंग में सुबह सुबह तैयार हो जाइए। कश्मीर की आपकी इस यात्रा में गुलमर्ग एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट साबित होने वाला है क्योंकि आप यहाँ पर वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट गंडोला केबल कार राइड के अंदर घूमेंगे और वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट यहाँ पर आपको स्कीइंग रिजॉर्ट देखने को मिलेगा जो फेमस है अपने पूरी दुनिया में स्कीइंग के लिए, गोल्फ कोर्स के लिए। इसके साथ अगर विंटर स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया में सबसे अच्छे विंटर स्पोर्ट्स आपको गुलमर्ग में करने को मिल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आप रात को पहुंचेंगे श्रीनगर और श्रीनगर में इस दिन आपका जो टूर होने वाला है वो ओवरनाइट स्टे करवाएगा आपको हाउस बोट के अंदर जो आपका डल लेक में होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डे 4 के बारे में। इस दिन आप जाएंगे श्रीनगर से सोनमर्ग और उसके बाद आप जाएंगे कारगिल। सुबह ब्रेकफास्ट करिए, चेकआउट करिए होटल से, निकल जाइए सोनमर्ग के लिए। 3 घंटे की जर्नी है, 2800 मीटर अबव है सी लेवल से सोनमर्ग, जिसे हम गोल्डन मिडो के नाम से भी जानते हैं। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों अब डे 5 के बारे में। इस दिन आप पहुंचेंगे कारगिल से लेह जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां का टेम्परेचर और वेदर बहुत ही अलग होता है। यहां पर आप लेजरी वॉक करेंगे ओल्ड टाउन में जो लेह के अंदर है। इसके साथ साथ आप शहर की इन्वायरमेंट के साथ भी आप एडजस्ट करेंगे अपने आप को और शाम के टाइम आप घूमेंगे शांति स्तूपा को जहाँ 1991 में बनाया गया था एक जैपनीज बुद्धिस्ट के द्वारा, और आपका ये दिन बहुत ही कंफर्टेबल बीतने वाला है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं डे 6 के बारे में। इस दिन आप जाएंगे लेह से खारदुंगला पास और उसके बाद आप पहुंचेंगे नुब्रा वैली। यह लगभग 5 से 6 घंटे का रास्ता है 125 किलोमीटर का। इसके लिए सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट करना होगा और यह आपका दिन थ्रिल्ड से भरा होने वाला है। चेकआउट करिए अपने होटल से और निकल जाइए नुब्रा वैली के लिए। रास्ते में आपको मिलेगा वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, जिसको देखने के लिए और इसके एडवेंचर को फील करने के लिए पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ पर आप पहुँचने के बाद खारदुंगला पास जो 5,550 मीटर की ऊंचाई पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, यहाँ पर आप पहुँचने के बाद एक पनोरमिक व्यू को एंजॉय करिए, बर्ड आई व्यू को एंजॉय करिए, फोटोग्राफ क्लिक करवाइए, थोड़ा सा यहाँ पर आप टाइम बिताइए, अपनी मेमोरी को कैप्चर करिए लाइफ टाइम मेमोरी को, और उसके बाद आप निकल जाइए नुब्रा वैली के लिए। नुब्रा वैली में पहुंच करके आप यहां के कैंप पर चेक इन करिए। कैंप में चेक इन करने के बाद आप घूम सकते हैं नुब्रा वैली के डिस्किट गोम्पा मोनेस्ट्री के अंदर जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, उसके साथ साथ नुब्रा वैली के आसपास के नज़ारों को आप इंजॉय कर सकते हैं। डबल हम्ड कैमल की यहां पर आप राइड कर सकते हैं अपनी ऑन कॉस्ट पर, और शाम को डिनर करने के बाद आप कैंप में इंजॉय करिए। यकीन मानिए दोस्तों, यहां का एम्बियंस लुक एंड फील और यहां का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल होता है और इतना एडवेंचरस होता है कि जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी और दुनिया के अंदर आ गए हैं। बहुत ही जबरदस्त ये नज़ारा होने वाला है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अब डे 7 के बारे में। इस दिन आप डिलीशियस ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाएंगे तुर्तुक के लिए। तुर्तुक लास्ट आउटपोस्ट है इंडिया में जो पाकिस्तान के कंट्रोल गिलगित और बाल्टिस्तान से इंडिया का बंटवारा करती है। यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर्स का गेटवे भी देखने को मिलेगा। द प्लेस इज कल्चरली, लिंग्विस्टिकली एंड हिस्टोरिकली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू विल सीन
till now in your Ladakh holiday as it falls under the Gilgit-Baltistan region. आपको बहुत ही अलग एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलेगा. इवन अगर हम लैंडस्केप की बात करें तो ड्रामेटिक नैरो वैलीज मिलेंगी, स्टीप माउंटेन्स मिलेंगे, अनलाइक सेंट्रल लद्दाख एंड नुब्रा कंपैरेटिवली सिचुएटेड एट अ लोअर एल्टीट्यूड देन लेह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. अब दोस्तों आप रात को यहाँ पर डिनर करने के बाद आराम फरमाएंगे, ओवरनाइट आपका स्टे होगा नुब्रा के अंदर ही. अब बात कर लेते हैं दोस्तों डे 8 के बारे में. इस दिन आप नुब्रा से पेंगोंग लेक जाएंगे वाया श्योक होते हुए. सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करिए और रेडी हो जाइए पेंगोंग लेक घूमने के लिए वाया श्योक होते हुए. एंजॉय द स्पेक्टेकुलर जर्नी विद द अमेजिंग सीनरी और स्नो क्लैड माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे जो सिचुएटेड है इंडिया चाइना बॉर्डर पर. अगर हम लोग बात करें तो यह 4,267 मीटर की हाइट पर है, 130 किलोमीटर लंबी है और 6 किलोमीटर चौड़ी है. इंडिया और चाइना दोनों के अंदर आपको पेंगोंग लेक बटी हुई दिखाई देगी. यहाँ पर आप आराम फरमाइए, इंजॉय करिए पेंगोंग लेक के आसपास का व्यू. कैंप में आप चेक इन करिए और इसके बाद ओवरनाइट डिनर करने के बाद आप स्टे करिए. रात को यहाँ पर बिल्कुल क्लीन्ड जो आपका आसमान है वहां पर आप सितारों का दर्शन करिए, नजारे लीजिए और ओवरनाइट स्टे करिए. अब बात कर लेते हैं दोस्तों डे 9 के बारे में. इस दिन आप जाएंगे पेंगोंग से लेह वाया चांगला पास होते हुए. 230 किलोमीटर की जर्नी 5 से 6 घंटे आप कवर करेगी. रास्ते में आप एंजॉय करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स को. इसके लिए सुबह सुबह आप उठ जाइए कैंप्स में, यहाँ का नज़ारा लीजिए, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करिए, लाइफ टाइम मेमोरी को कैप्चर करिए. क्योंकि यहाँ का जो पेंगोंग लेक है वो समय के अनुसार जैसे जैसे यहाँ पर लाइट पड़ती है सूरज की वो अपने कलर्स को भी चेंज करता है. वहाँ पर जाकर के रील्स को क्रिएट करिए, फोटोग्राफ्स को क्लिक करवाइए अपने इंस्टाग्राम के लिए. यूट्यूब अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर आप पिक्चर्स को यूट्यूब की लिए वीडियोज़ को वहाँ पर आप रेडी कर लीजिए. उसके बाद आप तैयार हो जाइए ड्राइव बैक टू लेह के लिए. और रास्ते में आप चांगला पास को क्रॉस करते हुए निकलेंगे. शाम के टाइम लगभग आप लेह में पहुंचेंगे. चेक इन करिए होटल में, आप इंजॉय कर सकते हैं. कुछ लोकल शॉपिंग के लिए आप जा सकते हैं लेह मार्केट के अंदर. रात को डिनर करिए, रिलैक्स करिए क्योंकि अगला दिन आपके लिए होने वाला है डे 10 लेह टू शारजू के लिए जिप्सा होते हुए. दोस्तों स्टार्ट करिए अपनी मॉर्निंग की जर्नी को ब्रेकफास्ट के साथ. इस दिन आप लेह से शारजू जाएंगे. आफ्टर फोटो सेशन स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को. वी विल क्रॉस घाटा लूप्स, 21 पिंस वाला पेंगमोर प्लेन्स, तांगला द सेकेंड हाईएस्ट पाथ, रीच शारजू बाय इवनिंग में आप पहुंचेंगे और ओवरनाइट स्टे करेंगे शारजू के अपने होटल के अंदर डिनर करने के बाद. आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं डे 11 के बारे में जो आपको शारजू से मनाली पर वापस ड्रॉप करेगा. ब्रेकफास्ट करने के लिए शारजू से आप मनाली के लिए निकलेंगे वाया जिस्पा होते हुए. रास्ते में क्लाइंबिंग विद रोहतांग पास जो 3,980 मीटर की ऊंचाई पर है. एंड रूट क्रॉसिंग पीसफुली विलेजेस ऑफ लाहौल वैली भी आप देखेंगे. खोखसर होते हुए, सिस्सू होते हुए, गला होते हुए, टांडी होते हुए आप निकलेंगे. इसके साथ द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर्स को भी आप यहाँ पे एंजॉय करेंगे. द रूट कवर द यूनिक लैंडस्केप ऑफ रग्ड माउंटेन्स एंड मड विच मेक्स द रूट परफेक्ट फॉर फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है. वी विल क्रॉस लॉट्स ऑफ मैग्निफिकेंस व्यूज नेवर बी सीन द हॉल्स फॉर फोटो सेशन. आपका मन करेगा बार बार रुकने का. इसके बाद आप क्रॉस करेंगे जिंग जिंग बार, सूरज ताल, बरला चला पास जो 16,040 फीट की ऊंचाई पर है, किलिंग सराय रीच. उसके बाद आप पहुंचेंगे लगभग रात के टाइम में मनाली और आप आराम फरमाएंगे. उसके बाद डे 12 आपका डिपार्चर होने वाला है मनाली. डिपार्चर से पहले अगर आप कोई लोकल घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं. लोकल मार्केट जाना चाहते हैं वो अपने टूर ऑपरेटर के साथ बात करके ये सब आपका अरेंज हो सकता है. आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अब एकोमोडेशन के बारे में. आपको यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के ऑप्शन प्रोवाइड करे हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट में भी चेंजेस आ जाएंगे. जैसे आपके पॉकेट है उसको आप चूज कर सकते हैं. अगर स्टैंडर्ड पैकेज की बात करें तो ये ऑप्शन है, अगर डिलक्स ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन आपको मिलेंगे होटल्स और कैंप्स के. तो डिपेंड करता है आपके पॉकेट पे. मैं आपको स्टैंडर्ड बताने जा रहा हूँ, बाकी को आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं. स्टैंडर्ड पैकेज की बात करें तो लेह में आपको होटल ट्विन पैलेस, आबू पैलेस होटल, टी समोरियस का सिमिलर मिलेगा नुब्री में, नुब्रा वैली के अंदर जूली कैंप, समर हॉलीडे कैंप, डेजर्ट ऑसेस कैंप ऐसा मिलेगा. पेंगोंग में लद्दाख समर कैंप, वाइल्ड कैंप इसे सिमिलर.
कारगिल वे, द डुसीजा, सियाचिन, कारावान सराय, ये सब मिलेगा श्रीनगर के अंदर। होटल आजाद, इब्नी गनी, ये सब मिलेगा मनाली में। होटल शारदा क्लासिक और सारचू के अंदर रेड रॉक कैंप, डॉर्ची कैंप, ये सब आपको ऑप्शन मिलेगा। बाकी सारी जानकारी जो अगर आप डिटेल में लेना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दिया है। देर ना करिए, अगर आप जाना चाहते हैं इस साल तो अभी से अपने टूर पैकेज को बुक करा लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम इस टूर पैकेज को बहुत ही मुश्किल से हमने प्रोवाइड करा था, हाउसफुल हो गया था पूरा लेह लद्दाख। श्रीनगर तो ऑलरेडी अभी पूरा अप्रैल के लिए हाउसफुल पड़ा हुआ है। फ्लाइट्स की टिकट भी आगे जितना आप डेट करेंगे तो महंगी हो जाएगी। सबसे पहले आप इस पैकेज को बुक कराइए या फ्लाइट की टिकट को बुक कराइए, उसके बाद ये पैकेज बुक कराइए। डिटेल हासिल करने के बाद और सारा ऑर्गेनाइज करने के बाद आप मई जून के अंदर यहाँ पर होकर के आइए और अपनी लाइफ के सबसे मेमोरेबल टूर पर आप होकर के आइए। दोस्तों बात कर लेते हैं इस टूर पैकेज के बारे में। लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये कॉस्ट आपकी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। फिर भी अदर टूर ऑपरेटर के कंपेयर में, जो इंडिया के सबसे बड़े और छोटे टूर ऑपरेटर हैं, इस कॉस्ट को अभी हमने कम से कम रखा है। अगर आप ग्रुप के अंदर जाते हैं, दो 12 लोग अगर आप साथ में हैं तो 30,000 रुपये पर पर्सन आपका पड़ेगा। 10 लोग अगर आपके ग्रुप में हैं तो 32,000 पर पर्सन, 8 लोग हैं तो 35,000, 6 लोग हैं तो 36,000, 4 लोग हैं तो 43,000 पर पर्सन और 2 लोग हैं तो 64,500 पर पर्सन आपका पड़ने वाला है। द प्राइस आर इंक्लूसिव ऑफ, क्या क्या मिलेगा आपको बता देता हूँ। एकोमोडेशन आपको मिलेगा लेह में, नुब्रा में, पेंगोंग में, डबल और ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे। इसके साथ साथ श्रीनगर में हाउस बोट का टूर भी मिलेगा। मील प्लान में आपको रूम प्लस ब्रेकफास्ट प्लस डिनर मिलेगा, लंच आपको खुद अरेंज करना होगा। 2 नाइट इन नुब्रा, 1 नाइट इन पेंगोंग लेक में डिलक्स कैंप मिलेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा इन कैब में जब आप नुब्रा और पेंगोंग जाएंगे। 2 बॉटल मिनरल वाटर पर डे मिलेगा जब आप नुब्रा और पेंगोंग जाएंगे। इनर लाइन का परमिट मिलेगा रेस्ट्रिक्टेड एरियाज के लिए, घूमने के लिए लेह लद्दाख के अंदर। असिस्टेंस मिलेगा आपको अराइवल और डिपार्चर पॉइंट पर। साइट सीइंग एज पर द आइटनरी बाय प्राइवेट नॉन एसी, एसी टेम्पो ट्रैवलर स्कॉर्पियो ज़ाइलो मिलेगा। ट्रैवल असिस्टेंस मिलेगा वहां की लोकल एक्सपर्टीज लोगों के द्वारा। और इस पैकेज में ध्यान दीजिए 5% जीएसटी इंक्लूडेड है, क्योंकि अदर बहुत सारी मैंने देखा है ट्रैवल कंपनी जीएसटी को आज के टाइम पर हाइड कर लेती हैं। आपको एक्सक्लूसिव क्या क्या है स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। कोई भी एयर फेयर, ट्रेन फेयर, ओवरलैंड जर्नी, कोई भी मेडिकल रेस्क्यू इवैक्यूएशन, एनी पर्सनल टाइप का नेचर का एक्सपीरियंस, व्हीकल नॉट डिस्पोजेबल एट एनी ऑफ द आइसलैंड, ये सब चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं फीचर एंड बेनिफिट्स। अगर आप बुकिंग कराते हैं हमारे वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर से, आपको फीचर देखने को मिलेगा। लोकल टूर ऑपरेटर बेस्ड इन लेह लद्दाख, अवर टूर मैनेजर इन ऑल लोकेशन आपको दिखाई देगा, एंड टू एंड 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट आपको मिलेगा। होलसेलर जो आपको लेह लद्दाख का पूरा टूर पैकेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, वे श्रीनगर मनाली, ये वहाँ के होलसेलर हैं जो बल्क के अंदर आपको सबसे डिस्काउंटेड पैकेज और बेस्ट सर्विस के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। बेनिफिट्स की जानकारी करें तो कस्टमर कैन कॉन्टैक्ट कर सकता है, 24/7 आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी इस पैकेज के बुकिंग में बीच में इन्वॉल्व नहीं है। फ्रॉम बुकिंग द पैकेज टिल टूर कंप्लीशन 1 नाइट पर्सन असिस्टेंस मिलेगा। नो मीडिएटर, बेस्ट डील विदाउट एनी हिडन कॉस्ट आपको दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतनी सारी जानकारी हासिल करने के बाद अगर फिर भी आपके डाउट रह गए हैं तो वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस टूर पैकेज को बुक कराने से पहले सारी जानकारी हासिल कर लीजिए। और अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं वाईटी भारत के इस तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फिर कई सी नए डेस्टिनेशन पर आपको लेकर के चलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो को बिना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मत जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।